तो वाइकिंग्स वेलहेला का दूसरा सीजन देखने से पहले आपने उसके पहले सीजन का रिकैप जरूर देखा होगा। तो फाइनली तीसरा सीजन आ चुका है, तो पिछले दो सीजन का रिकैप तो बनता है। वाइकिंग्स वेलहेला का पहला सीजन इंग्लैंड के राजा एथलरेड के साथ शुरू होता है, जो अपने देश में बसे हुए सभी डेनिस लोगों की मौत का आदेश देता है। डेनिस किंग कनूट हर वाइकिंग योद्धा को कैटागट में एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाते हैं, एक सेना बनाने के इरादे से। बदला लेने के लिए कैटागट में आने वाले वाइकिंग्स में हैरोल्ड सीजरटन भी शामिल है, जो नरसंहार में अपने भाई स्टीन की मौत का शौक मनाते हैं। हैरोल्ड के बड़े भाई ओलाफ हैरल्डसन एक कट्टर ईसाई होता है और गनर मेगनसन उसका दोस्त है जो ओलाफ का वफादार है। ओलाफ और गनर के ईसाई बिलीव्स ने उन्हें बुत परस्त विश्वासों के साथ मुश्किलों में डाला हुआ है। साथ ही कैटागट में और भी वाइकिंग्स आते हैं, जिनमें दो सिबलिंग्स शामिल होते हैं जिनका नाम होता है लीफ और फ्रीडिस, और उनके साथ ग्रीनलैंड के बाकी साथी भी होते हैं, जो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि यहाँ पर एक बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। असल में ये ग्रीनलैंडर्स इसलिए आए हुए हैं ताकि वो बदला ले सके, क्योंकि एक वाइकिंग ने सालों पहले फ्रीडिस पर हमला किया था और उसका बलात्कार भी किया था। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रीडिस उस बंदे को मार डालती है जिसने उस पर हमला किया था, वो भी सबके सामने। तो कैटागट के रूलर इस इंसिडेंट में फ्रीडिस साथ देती है। वो फ्रीडिस को सजाए मौत देने की बजाय उसकी जिंदगी बख्शने का फैसला लेती है, लेकिन बदले में उसके भाई को जंग में बाकी योद्धाओं के साथ लड़ना होगा। अब जैसे ही वाइकिंग्स इंग्लैंड पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले राजा एथलरेड की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। एथलरेड के बेटे एडमंड को इंग्लैंड के नए राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है और वाइकिंग से लड़ने के लिए मर्सिया के एल्डरमैन एड्रिक की तिगड़ी के साथ एक अलायंस बनाता है। एमा और चीफ काउंसिल गुडविन के साथ मिलकर किंग एडमंड लंदन को वाइकिंग पर हमले के लिए तैयार करता है। जब वाइकिंग आते हैं तो एडमंड अपने करीबी सलाहकारों की परिषद को इग्नोर करता है और सैक्सन्स को सीधे एक वाइकिंग जाल में ले जाता है। दूसरी ओर एडमंड की सेना के खिलाफ लड़ाई में नूट वाइकिंग्स को लीड करता है। इवेंचुअली सैक्सन्स के हारने के बाद लंदन पर कब्जा कर लिया जाता है। इस केओस के दौरान एड्रिक हार स्वीकार कर लेता है और लड़ना छोड़ देता है। अपनी जीत के बाद वाइकिंग सभी इंग्लिश रईसों को और एडमंड को बंदी बना लेते हैं। कनूट एडमंड को बख्श देता है, लेकिन एड्रिक को शपथ तोड़ने के लिए मार डालता है। उसके बाद कनूट इंग्लैंड का पहला नॉर्स किंग बन जाता है। इसी के साथ कनूट गुडविन को खुद का न्यू काउंसलर बना लेता है और एमा से शादी करके उसे अपनी पत्नी बना लेता है। जब किंग कनूट को डेनमार्क में विंस की सेना से लड़ने के लिए लंदन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो उसके पिता किंग स्वेन फोर्क ब्रेड उसकी जगह पर राज करने के लिए आ जाते हैं। अब कनूट के जाने के बाद एडमंड फिर से लंदन को पाने के लिए प्लान करता है, तो गुडविन उसे धोखा देकर मार डालता है। अब गुडविन ऑफिशियली वाइकिंग की साइड है, ये सबको यकीन हो जाता है। इस बीच लीफ अपने सभी ग्रीनलैंडर साथी का शौक मना रहा होता है, क्योंकि वो युद्ध में मारे गए थे। सभी ग्रीनलैंडर्स में से सिर्फ लीफ और उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा बचे हैं। लीफ फिर हैरोल्ड के साथ मिलकर कैटागट लौटता है और फाइनली वो फिर से अपनी बहन फ्रीडिस से मिल पाता है। जब लीफ युद्ध पे गया हुआ था, तो फ्रीडिस एक बाबा से मिलती है, जो फ्रीडिस के भविष्य के महत्व की भविष्यवाणी करता है, और इसलिए फ्रीडिस को अपने भाग्य को पूरा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। इसलिए हॉकिंस शील्ड मेडल से ट्रेनिंग लेने के बाद फ्रीडिस सभी को हरा कर मैडन शील्ड बन जाती है। साथ ही फ्रीडिस का हैरल्ड के साथ रिलेशन शुरू हो जाता है और हैरल्ड युद्ध में लीफ का एक अच्छा दोस्त बन जाता है। इस बीच ओलाफ की क्रिश्चियन बिलीव्स उसे पैगनों को मिटाने के रास्ते पर ले जाती है। वह साथ ही धार्मिक कट्टर दोस्तों के साथ सेना में शामिल हो जाता है, ताकि वो सेना में शामिल होकर कैटागट में अपनी जगह बना पाए और ईसाई रूलर के तहत पूरे नॉर्वे को एकजुट कर सके। ओलाफ राजा कनूट की मर्सियन पत्नी के साथ अलायंस बनाता है। अब जैसे ही ओलाफ की सेना कैटागट पर हमले के लिए तैयारी करती है, तो हैरोल्ड अपने भाई के पक्ष में शामिल हो जाता है, लेकिन सीक्रेटली हैरोल्ड डबल साइडेड एजेंट है, जो ओलाफ की योजनाओं को लीफ तक भेज रहा है ताकि वो कैटागट को हमले के लिए तैयार कर सके। कैटागट की लड़ाई एक चौतरफा युद्ध है, जिसमें यरल हाकिन जो प्रेजेंट की कैटागट की रूलर है उसकी मौत हो जाती है। फ्रीडिस भी दुश्मनों में कई लोगों को मार डालती है। लड़ाई में ओलाफ लीफ की लवर पर हमला करता है, जो तड़प तड़प कर लीफ की बाहों में दम तोड़ देती है। लीफ वेलहेला में अपनी लवर से मिलने की कसम खाता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। लास्ट में ओलाफ की सेना कैटागट की सेना को हरा देती है और ओलाफ खुद को नॉर्वे का राजा घोषित कर देता है। हैरोल्ड और फ्रीडिस शहर से भाग जाते हैं। उसके बाद जैसे ही फोर्क ब्रेड कनूट के बेड़े के साथ आते हैं, तो राजा के रूप में विलन ओलाफ का शासन खत्म हो जाता है और वो भागने के लिए मजबूर हो जाता है। फोर्क ब्रेड कैटागट को कनूट के लिए हासिल करने आता है। दूसरी ओर दुखी लीफ बेरहमी से शहर में रहने वाले ओलाफ के साथियों की हत्या करता है और लीफ पूरी तरह एक वाइकिंग वॉरियर के रूप में बदल जाता है। और यहीं पर सीरीज का सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है सीजन 2 के साथ। वाइकिंग्स वेलहेला के सीजन 2 में फोर्क ब्रेड अपने पोते स्वेन को नॉर्वे का नया राजा घोषित करता है। जैसे ही फोर्क ब्रेड की आर्मी ओलाफ के और उसके साथी आर्मी को पकड़ लेती है, तो ओलाफ उनके साथ एक समझौता करता है कि उसकी जान को बख्शने के बदले में वो
नए राजा स्वैन का सलाहकार और रक्षक बनेगा। उसके बाद फोर्ड बियर्ड कैटागर छोड़कर जा रहे होते हैं तो वो ओलाफ के बेटे मैग्नस को अपने साथ कैदी बनाकर ले जाते हैं, जिससे ओलाफ उन्हें धोखा ना दे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हेराल्ड और फिरदिस को महसूस होता है कि उन दोनों के बीच प्यार तो है, लेकिन उन दोनों की जिंदगियां बहुत अलग है, क्योंकि उनमें से एक क्रिश्चियन है और दूसरा पैगन, जिसकी वजह से अब वो अलग हो जाते हैं। वहीं सीक्रेटली पता चलता है कि फिरदिस हेराल्ड के बच्चे की माँ बनने वाली है। हेराल्ड को लगता है कि उसकी डेस्टिनी उसकी फैमिली को डैनिश गद्दी हासिल कराना है, जिसके बाद वो लीफ के साथ अपने अंकल यरोस्लाव की हेल्प लेने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद यरोस्लाव हेराल्ड और लीफ को लॉर्ड वितोमिर से मिलाता है और वो उन दोनों को एक काम देता है कि वो लोग उसकी फैमिली और उसके कार्गोस को कॉन्स्टेंटिनापल पहुंचाए, जिसके बाद हेराल्ड और लीफ वाइकिंग के क्रू को इकट्ठा करते हैं इस खतरनाक जर्नी को शुरू करने के लिए। वहीं इंग्लैंड में राजा कनूट अपनी वाइफ रानी एमा को छोड़कर अभी भी जंग में है। तभी एमा को कोई मारने की कोशिश करता है, तो उसको लगता है कि सब के पीछे गुडविन का हाथ है, क्योंकि वो हमेशा से क्राउन के लिए ललचाता था। पर गुडविन इस इल्जाम से इनकार कर देता है, लेकिन एमा अभी भी उस पर शक की निगाह से देखती है और वो गुडविन की लवर को टॉर्चर करती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और एक्सीडेंटली वो उसकी गर्लफ्रेंड को उसी दौरान मार देती है। एमा को खबर मिलती है कि गुडविन किसी बंदे के साथ कनेक्शन में था, जिसको गुडविन ने पैसे दिए थे, और उस बंदे का नाम बियर होता है। एमा को जैसे ही बियर मिलता है तब तक वो मारा जा चुका था, पर उसके पास एमा को गुडविन के फादर की रिंग मिलती है। अब जैसे ही राजा कनोट फाइनली लंदन वापस आ जाते हैं तो वो आते ही गुडविन की साइड लेते हैं और साथ ही अपनी भतीजी गीथा से उसकी शादी करा देते हैं। एमा को जब कनोट सपोर्ट नहीं करता तब इस बात से एमा बहुत नाराज हो जाती है, लेकिन वो गुडविन पर शक को बरकरार रखती है और वो उसके फादर की रिंग को कनोट को दिखाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि फ्रीदिस जोसनबर्ग पहुंचती है, जो कि एक लेजेंडरी वाइकिंग्स का गढ़ है, जिस पे लॉर्ड हैरेकर और लेडी गुडरिड का राज होता है, और साथ ही फ्रीदिस को इस समुदाय में एक पवित्र स्थान दिया जाता है। लेकिन जब फ्रीदिस देखती है कि गुडरिड और हैरेकर दोनों बेरहम हैं, वो रेफ्यूजीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो उनको मजदूर बना के काम करवाते हैं और कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। जैसे ही फ्रीदिस जोसनबर्ग में बदलाव लाने और सबको इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है, तभी वो हैरेकर के गुस्से का शिकार हो जाती है, जो कि सारे रेफ्यूजीज को मरवा देता है, जिसके बाद फ्रीदिस और उसके नए दोस्त यानी गुडरिड का बेटा हिरुंदर को जेल में डाल देता है। वहीं जेल में रहते हुए फ्रीदिस एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो हेराल्ड रखती है, पर हैरेकर फ्रीदिस के बच्चे को छीन लेता है और बोलता है कि वो उसका है, और इसी को देखकर यूरिंदर अपने पिता हैरेकर के खिलाफ हो जाता है और अपनी माँ को धोखा देते हुए फ्रीदिस को जेल से भगाने में हेल्प करता है, जिसके बाद फ्रीदिस निराश होकर लॉर्ड हैरेकर को उखाड़ फेंकने और मारने के लिए रीलियां निकालती है, और सब लोग मिलकर लॉर्ड हैरेकर को पत्थर मार मार कर उसकी जान ले लेते हैं। उसके बाद वो सारे रेफ्यूजीज और पीगन को एकजुट करती है और जोसनबर्ग को वाइकिंग्स के सेफ माहौल में बदल देती है, जैसा कि होना चाहिए था। वहीं ओलाफ स्वीन को ट्रेन कर रहा होता है एक ताकतवर राजा बनने के लिए, जिसके बाद उसे जोसनबर्ग पर हमला करने के लिए कहता है, और फिर फ्रीदिस और जोसनबर्ग के लोग ओलाफ की आर्मी को हरा देते हैं। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूरिंदर मारा जाता है और ओलाफ को फ्रीदिस खुद मारती है और क्रिश्चियन और पैगन लोगों के बीच शांति कायम करती है। फ्रीदिस बहुत ही सुरक्षा के साथ स्वैन को कैटागट में उसकी माँ एल्फ गिफू के पास पहुंचाती है। वहीं दूसरी ओर कॉन्स्टेंटिनोपल की यात्रा के दौरान हेराल्ड लीफ और उनके बाकी साथियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हेराल्ड को विदमिर की बेटी एलिना से प्यार हो जाता है। वहीं लीफ को एक बेहद बीमार लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम मैरियम होता है, जो अपने मरने से पहले उसे पढ़ना लिखना सिखाती है और दुनिया के बड़े बड़े अजूबों के बारे में बताती है। अब जैसे ही सीजन खत्म होने के करीब आता है तो यहाँ हेराल्ड लीफ और उनके बचे हुए साथी फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल पहुँचते हैं, जहाँ हेराल्ड को शौक लगता है ये जान के कि जिन कीमती कार्गोज को वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में एलिना है, जिसकी शादी एक सम्राट रोमानोस से तय कर दी गई है। और यहीं पर वाइकिंग्स वैलहेला का सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको दोनों सीजन समझ में आ गए होंगे और तीसरा सीजन देखने में मजा भी आएगा। बाकी सब्सक्राइब के लिए क्या ही बोलूं, वो तो आप कर ही लोगे। बाय बाय।